नमस्कार, ठेठ प्रवीण ताड़े में आपका स्वागत है। पहली बार मैं हिंदी भाषा में मेरा सब ठेठ प्रोग्राम लाइव करने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारत से मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि भैया आपकी जो मराठी भाषा है हमको समझ में नहीं आ रही है, और इसलिए आज पहली बार हिंदी में बात करने का प्रयास करो। वैसे मेरी हिंदी जो है इतनी परिपक्व नहीं है कि आपको वो दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आज का जो मेरा स्थल है वो स्थल है सवाई मानसिंह राजे का समाधि स्थल है अचलपुर का, और ये समाधि स्थल है अचलपुर जिला अमरावती महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम मैं आपको ये समाधि स्थल दिखाता हूँ, उसके बाद ये समाधि स्थल के बारे में मेरे साथ पवार सर है। पवार सर को इस समाधि स्थल के बारे में और राजा मानसिंह के बारे में सब कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन है। पहली बार मैं आपको ये समाधि स्थल बताता हूँ, उसके बाद आगे की बात पर हम डिस्कस करेंगे। आप जो देख रहे हैं समाधि स्थल है राजा मानसिंह। एक समय में बड़ा कर्तृत्व संपन्न ऐसा एक राजा होता करता था, मुगल साम्राज्य का बहुत सबसे ताकतवर एक सरदार था। उसके स्मृति के प्रीत्यर्थ यह एक ये जो चौबरा बना हुआ है, और राजस्थान के सवाई मानसिंह के जो पूर्वज है, ट्रेडिशनल जो उनके पूर्वज है, इसका सब दिक्कत ये उनका वरालिंग यार देख रेख का काम करते है। और ये ऐसी वास्तु है, आज अचलपुर शहर के परिसर में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक वास्तु है। ये ऐतिहासिक वास्तु में से एक महत्वपूर्ण बाप जो है ये है राजा मानसिंह की समाधि स्थल। और राजा मानसिंह के समाधि स्थल के इस चौबारे पर एक आर्टिकल भी लिखा है, उसको शिलालेख कहते हैं। शिलालेख मैं आपको बताता हूँ, पहले आप वो शिलालेख भी पढ़ सकते हैं। एक शिलालेख लिखा हुआ है, सेंट ऑफ एच महाराजा मानसिंह ऑफ जयपुर, कंस्ट्रक्टेड 1612 AD, उसके बाद रिपेयर्ड बाय ऑर्डर ऑफ द एच महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर 1935 AD, ये सब लिखा हुआ है। और ये सवाई मानसिंह के बारे में मेरे साथ आज इस इतिहास के बारे में बहुत बड़े संशोधक और अभ्यासकर्ता श्री सुखदेवराव पवार सर है। सर नमस्कार। नमस्ते प्रवीण भाव, आपको पहली बार इस आज वार्तालाप में आपको हिंदी में बात करना है, आपको मैं सुझाव देने जा रहा हूँ। आज विजयादशमी के बहुत सारी ढेर सारी सारी इतिहास प्रेमियों को शुभकामनाएं। आज अचलपुर में तो बहुत सारी पुरातत्व वास्तु है, आप कृपया अपना मास्क निकालिएगा। और ये पुरातत्व विभाग के अंदर ये जो वास्तु है, आज हमारा दौर अभी महाराजा मानसिंह इनके जो समाधि स्थल है यहाँ हम आकर पहुंचे, इनके बारे में बोलना है। जो मुझे कुछ जानकारी है उसके बारे में मैं अभी बोल सकता है कि जाने माने जो कुछ अकबर के जो सरदार थे उनका जो नवरत्न का दरबार था, मुगल सम्राट सरदार जो नवरत्न दरबार था, इसमें से एक महाराजा मानसिंह था। महाराजा मानसिंह के बारे में जब बताते हैं हम, तो कभी कौन से ही लड़ाई में अभी तक हारे नहीं, बहुत बलवान थे, बहुत ऊंचाई की उनकी थी, उनका बहुत चारों तरफ दरारा था। तो जहाँ कोई बंड होता है वो बंड को थोड़ा कम करने के लिए या वो बंड नेस्तनाभूत करने के लिए सम्राट अकबर महाराजा मानसिंह की वहाँ रवानगी करता था। पश्चिम बंगाल से होते हुए वहाँ का बंड थोड़ा कम करने के बाद महाराजा मानसिंह यहाँ अचलपुर में वो इसी सन 1612 की बात है। अब 1612 में यहाँ आकर पूरी सारी ईस्वी सन 1550 में उनका जन्म हुआ। ईस्वी सन 1612 तक यानी 63 साल तक वो पूरा भारत घूमते रहे, लेकिन वो घूमने के बाद उनको अचलपुर भेजा गया। अचलपुर में आने के बाद पूरा जो लड़ाई का जो उनको पश्चाताप था, तो वो यहाँ थोड़ा उनको विराम मिला, आराम मिला। वो तो आराम मिलने के बाद वो शाम और सुबह को यहाँ बाजू पड़ोस में एक मंडलेश्वर का कुआं है, वहाँ कुएं पर बैठकर शाम और सुबह वो सुगम संगीत सुनते थे। वो आत्म शांति के लिए वो सारी बातें करते थे। उनका यहाँ 1914 में यानी प्राकृतिक डेथ हुई
और प्राकृतिक डेथ होने के बाद यही उनकी समाधि यहाँ उनको दी गई। आज ये जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल के बारे में आपका क्या कहना है? इतने बड़े राज्य की समाधि स्थल आज और बहुत दुर्लक्षित है। ये दुर्लक्षित है क्योंकि अभी जो अपने भारत वर्ष में चलता है जात पात या धर्म का राज, इसमें इनका ये इस प्रवाह में बहुत दुर्लक्षित रह गए। लेकिन राजस्थान के सवाई मानसिंह द्वितीय इन्होंने यहाँ के जो इतिहास प्रेमी ने वहाँ खत भेज कर और उनको ये यहाँ की बात बताई, यहाँ दुर्लक्षित वास्तु बताई, अपने महाराजा मानसिंह की बात बताई, वहाँ से उन्होंने 1935 में आकर यहाँ थोड़ी डाकडूजी की और यहाँ एक पुजारी रखा था और वो पुजारी अभी यहाँ नहीं है, नहीं दिख रहा है। और बाद में यहाँ कोई भी प्रशासन का यहाँ ख्याल नहीं आया, तो हम यहाँ आपको गुजारिश करते हैं प्रशासन को, पुरातत्व विभाग को, का जितनी सारी अचलपुर में पुरातत्व विभाग की वास्तु है, ये वास्तु पर ख्याल करे और अगले पीढ़ियों के लिए वो स्मारक उनको बताए कि हमारे पीढ़ी हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, बलवान थे और उनका क्या पराक्रम था, उनके स्मृति स्थल कहाँ है, ये देखने के लिए यहाँ का काम इस यहाँ का स्थानीय प्रशासन करे, ऐसे मैं विनंती करता हूँ। और ये पर्यटन स्थल के लिए राजा मानसिंह की जो समाधि स्थल है ये पूरे हिंदुस्तान में एक में हुए करके यहाँ लोग आएंगे, यहाँ जो आजू बाजू के लोग है, सिंह है, राजपूत है, राठौड़ है, ये जो कुछ लोग है राजस्थान के, आपका कहना है कि या है यहाँ है राजस्थान के लोग यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी थोड़ा साथ देकर ये काम करना चाहिए। हम भी उनके साथ है, हम प्रशासन के साथ है, हम लोक प्रतिनिधि होते हुए, मैं जीप सदस्य होते हुए, मेरे से जितना काम होगा उतना काम करने का मैं आशा यहाँ व्यक्त करता हूँ। और महाराजा मानसिंह का जो स्मृति स्थल है, जो समाधि स्थल है, वो पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध हो, ऐसी मनोकामना करता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पहली बार हमने जो संभाषण है वो हिंदी भाषा में करने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से फोन आते हैं कि प्रवीण भाई आप प्रोग्राम जो मराठी में करते हैं, तो मैं मराठी में भी प्रोग्राम करता हूँ। इस बार पहली बार मैंने जो प्रोग्राम है हिंदी में किया है, तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत तो नहीं होगी। ये जो सवाई मानसिंह है, बहुत पराक्रमी राजा थे, मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर सरदारों में से एक थे। उनके पास राजपूतों की तकरीबन 20,000 की फौज थी और जहाँ कहा, यहाँ काबुल, अफगानिस्तान, बंगाल, कहीं भी किसी भी राज्य का कोई बंड हो, आक्रमण हो, तो राजा मानसिंह खुद वहां जाके वो बंड समाते थे, कि उनके पास इतनी सारी ताकत थी। और सब मैंने इतिहास में पढ़ा, किसी के मुंह से सुना कि उनकी जो मौत है 63 साल में वो नेचुरल डेथ हो गई, लेकिन मुझे वो डेथ पर भी उनके डाउट है, क्योंकि इतना बलशाली आदमी, और आप देखिए कि उस जमाने में आदमी जो थे वो 70, 100, 150 साल वो आयुष्य उनका था, लाइफ थी, लेकिन वो 63 साल में उनका डेथ क्यों हो गया? क्योंकि वो जो राजा थे उनका सबसे ज्यादा प्रभाव था, उनपे बहुत सारे जो सरदार थे वो जलते थे, इसलिए उनको बंगाल से खानदेश लाया गया, खानदेश से उनको अचलपुर में लाया गया, और अचलपुर में आने के बाद यहाँ उनकी डेथ हो गई है। बहुत एक रहस्यमय कथा है। सो मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी दरख्वाइश आई थी कि प्रवीण भाऊ आप राजा मानसिंह की समाधि स्थल दिखाए, उसके साथ नीचे हम कमेंट बॉक्स में कुछ और इस यहाँ के फोटोग्राफ भी डालते हैं, तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन जो है कुछ हाफ मिली होगी, तो आप वो इन्फॉर्मेशन को कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप उनको जारी रख सकते हैं। और अगली बार अगला जो स्थल रहेगा वही अचलपुर का रहेगा, और अचलपुर शहर में बहुत सारे पर्यटन स्थल है, पर्यटन हो सकता है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ से मैं रुकता हूँ, और सभी को विजयादशमी की दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपने अपने परिवार की काळजी लीजिएगा। मैं यहाँ रुकता हूँ और अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।